नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं स्पेन 9 न्यूज। कांग्रेस में इस्तीफे का दौर चल रहा है, ये आप अच्छे से जानते हैं, लेकिन एक ऐसी स्टोरी हम आपको सुनाने वाले हैं, कांग्रेस का एक वाक्य हम आपको ऐसा बताने वाले हैं जिसको देख के आप हैरान हो जाएंगे, आप चौंक जाएंगे कि राहुल गांधी की ऐसी करतूतें कई नेताओं का इस्तीफा करवा दिया। इतना ही नहीं, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भी एक बार नाराज हो गए थे और इस्तीफा देने पर मजबूर हो गए थे, यानी वो भी कांग्रेस का साथ छोड़ सकते थे। क्या है पूरी खबरें वो हम आपको बताएं, इससे पहले ये समझाते हैं कि राहुल गांधी की हरकतों से क्यों, चाहे वो गुलाम नबी आज़ाद हों, सुनील जाखड़ हों, कपिल सिब्बल हों, मनीष तिवारी हों, पूर्व पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर हों या हार्दिक पटेल हों या तमाम नेता हों, क्यों राहुल गांधी को ही निशाना बनाते हैं। और अब डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेकर जो खबरें आ रही हैं, पहले एक वाक्य आया था क्यों नाराज हो गए थे, वो मैं आप दर्शकों के सामने रखना चाहता हूँ। राहुल गांधी की हरकत से नाराज डॉक्टर मनमोहन सिंह देने वाले थे, पीएम पद से इस्तीफा देने वाले थे। कांग्रेस तो दूर की बात है, पीएम पद से इस्तीफा देने वाले थे, यानी जब वो पीएम पोस्ट पे थे। उसके बाद गुलाम नबी ने बताया क्यों बदल दिया था वो अपना मन। आइए हम बताते दरअसल हुआ क्या था, वो वाक्य क्या था जिसके बारे में हम आपसे जिक्र करना चाहते थे। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि साल 2013 में अध्यादेश फाड़ने वाली राहुल गांधी की हरकत बेहद बचकानी थी, बेहद ही बचकाना था, और ऐसा तो कोई बच्चा ही कर सकता है कि किस तरीके से वो जो है अध्यादेश को फाड़ दिए थे। यही वजह है कि राहुल गांधी के कई ऐसे हरकतों की वजह से आज कांग्रेस में फूट मचा हुआ है, नाराजगी है, अंतर्कलह है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप जो है जिम्मेदारियों से भाग जाएंगे, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप इस्तीफा ही दे देंगे और किसी और पार्टी में शामिल हो जाएंगे। तो ये भी खेल समझना दर्शकों के लिए बहुत जरूरी है। बहरहाल देखना होगा कि राहुल गांधी अध्यक्ष बनना चाहते नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जिम्मेदारियां तो उन्हीं को कंधे पर है। कैसे कांग्रेस का नैया पार होगा, कैसे आगामी चुनाव में बीजेपी से मुकाबला करेंगे, ये तमाम सवाल है जिसका जवाब राहुल गांधी को ही देना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहें स्पेन न्यूज़। नमस्कार।